नमाज जनाजा का तरीक़ा बता दें जी जनाजे की नमाज का पूरा तरीक़ा बयान फरमा दें इमाम और मुख्ति क्या करे नीस बालग और नाबालिग के जनाजे में क्या फ़र्क है मौला शेख महाराष्ट्र भाई नमाज जनाजा का तरीक़ा बहुत आसान है नमाज जनाजा में चार तकबीर फर्ज हैं यानी अगर किसी को कुछ भी ना आता हो जनाजे में इमाम ने जब अल्लाह अकबर कहा तो ये भी अल्लाह अकबर कहे इमाम ने जब दूसरी दफ़ा अल्लाह अकबर कहा तो ये भी अल्लाह अकबर कहे जब इमाम ने तीसरी दफ़ा अल्लाह अकबर कहा तो ये तीसरी दफ़ा कहे इमाम जब चौथी मरतब अल्लाह अकबर कहे तो ये चौथी मरतब अल्लाह अकबर कह दे और इमाम जब सलाम फेरे तो ये भी सलाम फेर दे तो ये जनाजा हो गया चाहे कोई भी दुआ ना पड़ी जाए फ़र्ज़ अदा हो जाता है अबतः तरीक़ा ये नहीं है मसनून तरीके पर जनाजा पढ़ना चाहिए मसनून तरीक़ा ये है कि पहली तकबीर के बाद आप सना पढ़ें यानी सुबहानल्लाम व हमदी का वत व बार कस्मू का वत अला जदू का वला इला इसमें बाद लोग अल्फाज पढ़ाते हैं वजलला नाका तो ये वजल सना का अल्फ़ाज पर मैंने बहुत रिसर्च की थी एक दफ़ा ये कहीं भी किसी भी मुस्ंद रिवायत से साबित नहीं है वही सना पढ़नी चाहिए जो नमाज़ में पढ़ते हैं हम उसके बाद शरीफ है वही शरीफ जो दुरुद इब्राहिम दूसरी तकबीर के बाद आप पढ़ लें तीसरी तकबीर के बाद आप दुआ पढ़ लें एक मशहूर दुआ है अल्ला हम फिर लिहा वम तेना व शाहाहीदीना वह अबीना ये मशहूर दुआ भी पढ़ सकते हैं इसके अलावा भी हदीस में बहुत सारी दुआएँ आई हैं हम लोग एक ही को पकड़ के बैठ गए तो बहुत सारी दुआएँ बड़ी अच्छी अच्छी दुआएँ हैं तो कम अज़ कम दो चार दुआएँ तो वो याद कर लेनी चाहिए तो वो दुआएँ भी मैत के लिए पढ़नी चाहिए और अगर कोई सूर फ़ात को बतौर दुआ के कभी कभार पढ़ ले तो ये भी जायज़ है हदीस से साबित है तो यही अहनाफ का और दूसरे आईमा का अख्तिलाफ़ है वो सूरय फ़ात को नमाज जनाज़ा में लाजिम समझते हैं और बतौर करात के समझते हैं जबकि हम हाँ, नमाज जनाजा तो एक महज दुआ है उसका वो अरकान नहीं है जो नमाज में जिस तरह से दूसरे अरकान होते हैं रुकू सरदा ये चीज़ें नहीं हैं तो इस तरह उसमें सूर फ़ातहा बतौर दुआ के पढ़ी जा सकती है बतौर तिलावत के बतौर करत के नहीं पढ़ी जा सकती